भी स्वास्थ्य शिल्पियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आप सभी भाइयों बहनों का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। याद करिए, 5 साल पहले भी मैं आया था, तब भी रविंद्रनाथ पार्टी के पक्ष में मैंने आपसे लिए सभा की थी और मैंने तब आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आपको आपकी पहचान दिलाएगी, भयमुक्त दंगा मुक्त प्रदेश लेकर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज तो गरीब को मकान भी मिल रहा है, आज तो गरीब को शौचालय भी मिल रहा है, आज गरीब को विद्युत का कनेक्शन भी मिल रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है और हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो भाइयों बहनों अगले 5 साल के अंदर हर दीपावली और होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक एक रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बेटी की शादी के लिए कन्यादान की राशि को 51,000 से बढ़ाकर के 1,00,000 करेंगे। पिछले 5 साल 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। अगले 5 साल के लिए हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हमने तय किया है 10 मार्च का सरकार बनेगी तो अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेगा। हमें भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की अपनी जनता भव्य धाम का निर्माण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हो चुका है। मथुरा सज रही है, समर रही है, मां विंध्यवासिनी का धाम एक बार फिर से चमक रहा है। विकास की योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन प्रदेश को दंगा मुक्त और भयमुक्त करने के साथ ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के रविंद्रन सरकार ने किया है, भयमुक्त वातावरण का प्रतीक अंग्रेज शासन का बुलडोजर भी यहाँ पीछे खड़ा है। विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चले, यहाँ चलने चाहिए ना, विकास और बुलडोजर साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सीट आनी चाहिए। देखिए, रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने जो कहा, हमने औराई के लिए, भदोही के लिए, ज्ञानपुर के विकास के लिए उतना कार्य करवाया है और जो बचेगा उसको फिर अगले कार्यकाल के दौरान सरकार कराएगी। 24 घंटे घर घर जाकर के रविंद्रनाथ त्रिपाठी बनकर के कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे। रविंद्रनाथ त्रिपाठी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सब एक चुनाव के दिन पहले मतदान